जन की बात हमारे साथ। नमस्कार, जोहार और लाल सलाम। आज हम जिस शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाने वाले हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन बहुत लाइम लाइट रहने में रहने की आदि भी इनका नहीं है। और वो हैं भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य साहब। बरसों से संघर्ष का रास्ता इन्होंने अपनाया है और अभी भी अनवरत ये पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए। इसी क्रम में जमुआ विधानसभा के मिर्जागंज में एक पार्टी सम्मेलन में इनसे आज मुलाकात हुई और हम इन्हीं से रूबरू होते हैं कि देश जो बदल रहा है और देश में एक नई शक्ति का जो उदय होने का, एक संगठन बनने का, एक गठबंधन बनने का जो प्रयास है और जिसका आगाज शायद बिहार से हुआ है, वो फलसफा कहाँ तक पहुँचेगा। सर, आपका खैर मकदम है, स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं सर आप? बस ठीक सर। एक जो दक्षिण पंथी की जो कवायद पूरे देश में चल रही और जो जिसका असर लगभग 9 वर्षों से देश झेल रहा है, कुछ एक वर्ग बहुत खुश है, एक वर्ग हताश है, निराश है, ऐसे में कुछ गठबंधन बनाने का एक प्रयास आप छोटे छोटे सभी दलों को मिला करके कवायद चल रही है। और ये अभी हम लोगों को जानकारी मिली है कि हमेशा अकेला चलने का रास्ता अपनाने वाला भाकपा माले भी इसमें शिरकत कर रहा है, कहाँ तक क्या है? नहीं, पहली बात तो अकेला चलो हमारा कोई सिद्धांत नहीं है जी। हमारा सिद्धांत है कि सच्चाई के रास्ते में चलो, अगर अकेला भी चलना पड़ेगा अन्याय के खिलाफ तब भी चलो जी। लेकिन अकेला ही चलो ये सिद्धांत नहीं है जी। और इसीलिए आज देश में जिस तरीके का एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं, संविधान खतरे में है, अभी नए संसद के नाम पर जो उद्घाटन समारोह हुआ, लग रहा था कि कोई किसी राजा का राज तिलक हो रहा है, कहां से एक सेंगोल को लाया गया, तो संविधान के अंगन में सेंगोल का क्या काम है जी। अब ये देश पूछ रहा है। महिला पहलवान 4-5 महीने से लगातार गुहार लगा रही है और बिजभूषण शरण सिंह खुलेआम घूम रहे हैं जी। इतनी बड़ी दुर्घटना ट्रेन की हुई और रेलवे में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है आम मजदूरों के लिए जी। और वहाँ फिर वंदे भारत चलाया जा रहा है जी। तो हमें लगता है कि देश में अभी जिस कदर संविधान का, लोगों के अधिकारों का अपमान किया जा रहा है, ये ऐसे में जरूरी है कि देश में एक व्यापक विपक्षी एकता बने जी। और हम लोग तो इसके पक्ष में हैं और हमारा पार्टी का महाधिवेशन था फरवरी महीने में, उसी महाधिवेशन में हमने आमंत्रण किया था नीतीश जी को भी, कांग्रेस को भी, राष्ट्रीय जनता दल को भी, और मुझे खुशी है कि वहीं से एक शुरुआत हुई तमाम पार्टियों के बीच में बातचीत की। और 23 तारीख को पटना में एक बड़ी मीटिंग होगी और हमें तो बिल्कुल भरोसा है एक मजबूत एकता बनेगी। और मजबूत एकता अगर बन जाती है विपक्षी पार्टियों में तो आप दूर जाने की जरूरत नहीं है, बिहार झारखंड को ही ले लीजिए। बिहार में 40 में 39 सीट्स एनडीए के पास, झारखंड में 14 में 12 सीट। तो हमें तो लगता है कि हम लोग कम से कम माले के पास इतनी ताकत है इन तमाम साथियों के साथ मिलकर के, संगठनों के साथ बिहार और झारखंड में भाजपा को पीछे धकेलने का और करारी शिकस्त देने की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। नहीं, कभी सर जब लालू की सरकार रही तो आप उसके मुखर विरोधी रहे नीतियों को लेकर के, जब नीतीश की सरकार रही तो भी आप मुखर विरोधी रहे नीतियों को लेकर के, जब कांग्रेस की सरकार रही यूपीए की तो भी आप मुखर विरोधी रहे नीतियों को रहेंगे। अब ऐसा क्या हो गया? नहीं तो रहेंगे, लेकिन अब जो देश के सामने जो स्थिति है, अब तो कोई लोकतंत्र रहेगा तब ना आप विरोध कीजिए जी। लोकतंत्र रहेगा तब विरोध कीजिए, और क्या लोकतंत्र होगा विरोध करने का? आप विरोध करेंगे, कोई सुनेगा, किसी मीडिया में वो खबर जाएगी, आपका धरना प्रदर्शन करने का कोई अधिकार होगा, तब ना विरोध का मतलब है। अभी आप देख लीजिए कि दिल्ली में जिस दिन संसद का वहाँ उद्घाटन हो रहा था और हमारे पूरे पहलवानों को, ओलंपियन चैंपियन पहलवानों को वो घसीटे जा रही थी दिल्ली के सड़कों पर, ये तो क्यों? अगर वो विरोध कर रही थी इसीलिए, तो आई जा विरोध करने का अधिकार छीना जा रहा है। इसीलिए तो जरूरी है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इस समय बिल्कुल ही एक नंबर का एजेंडा है। बाकी नीतियों पर, मुद्दों पर कभी भी कोई सरकार रहेगी, जैसे अभी यहाँ राज्य झारखंड में क्या हम विरोध कम कर रहे हैं? जहाँ भी जिस सवाल पर, चाहे वो स्थानीयता की नीति का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, शिक्षकों का सवाल हो, जहाँ जितना बोलना है विनोद जी बोलने में तो कम नहीं है, और बाहर लड़ने में भी
कम कम जी 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 जी। बिहार के अंदर भी शिक्षकों की नियुक्ति के सवाल पर नाराजगी है, हम उस पर बोल रहे हैं, इसलिए विरोध करना हमारा जारी रहेगा मुद्दों पर जी। लेकिन ये समय जहाँ संविधान खतरे में जी, लोकतंत्र खतरे में, पूरे देश का भविष्य जहाँ दांव पे चढ़ा हुआ है, वहाँ तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से देश को निजात दिलाना और इस मोदी सरकार से देश को निजात दिलाना, ये इस समय देश के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य। इसके लिए कोई भी कम्प्रोमाइज चलेगा? ये कम्प्रोमाइज नहीं है जी। ये जरूरी है, कंपल्शन है, कंपल्शन, ये कम्प्रोमाइज नहीं है। यही सब समय इस समय सबसे बड़ा काम है कि इस सरकार से देश को छुटकारा देने के लिए तमाम जो संविधान के प्रति कमिटेड लोग हैं, लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट रखने वाले लोग हैं, उनको एक करो। बाकी आर्थिक नीति का सवाल है, विरोध रहेगा, विरोध रहेगा। हम कोई कॉर्पोरेट परस नहीं है, हम तो जनता के लिए करने वाले हैं। तो शिक्षा नीति कैसे हो, रोजगार की नीति कैसी हो, किसानों के लिए क्या नीति हो, इन तमाम नीतियों पर हम पुरानी सरकारों से भी लड़ते रहे हैं और इस सरकार से भी लड़ रहे हैं। हो सकता है आगे भी लड़ने की जरूरत रहेगी, आगे भी लड़ते रहेंगे। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इसके लिए अपनी नीतियों को मिनिमाइज करके एक कंपनसेशन समझिए। और इसके लिए जरूरी है कि भाजपा के खिलाफ एक एकता देश में बने, ये कह रहे हैं हमारे दीपांकर भट्टाचार्य साहब। क्या लगता है, क्या आशाएं हैं आपको इस उधेड़ बुन में, इस कवायदत कहाँ तक पहुँचेगा? बिल्कुल, हमें तो लगता है कि ठीक से अगर हम लोग आगे बढ़े तो अभी समय जो है 24 में हम लोग देश में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल बिल्कुल कर पाएंगे। अभी कर्नाटका ने एक उदाहरण पेश किया, कर्नाटका में मोदी जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा, बजरंग बली के नाम पर वोट मांग दिया और चुनाव आयोग, जिसको मोदी जी को कभी बाल ठाकरे को 6 साल के लिए उनके वोटिंग राइट छीन लिया गया था, इस बार मोदी जी को कायदे से इसके लिए चुनाव आयोग को नोटिस भेजना चाहिए। तो चुनाव आयोग ने तो कोई अपना काम नहीं किया, लेकिन जनता ने अपना काम किया, जनता ने फिर भी अपना काम किया, सब कुछ को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया। तो हमें भरोसा है कि जनता अपने मुद्दों पर चुनाव में जनादेश इस बार देगी और ये जो पूरी सरकार जो हमेशा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहो, देश में तनाव पैदा करो, हिंसा भड़काओ, एक तरीके से पूरे देश को परेशान कर दो जी। तो प्रदेश को, लोगों को परेशानी में डालने वाली सरकार, सब कुछ तहस नहस करने वाली सरकार, तो आखिर सरकार तो लोग चुनते हैं इसलिए कि भाई कुछ काम हो जी। बिल्कुल, अभी तो ये कह रहे हैं अमृतकाल और जनता कह रही है कि अमृतकाल के तो आफत काल है। ये आफत बन करके जो सरकार आई है देश के लिए, उससे तो देश को छुटकारा चाहिए हर कीमत। तो आपका जो कुनबा है सर, जो कुनबा बनने की तैयारी आप में हो रही है, उसमें तो कई चेहरे प्रधानमंत्री की रेस में है, कैसे समन्वय बनेगा? कोई दिक्कत नहीं है, जब चुनाव हो जाए, बहुमत आ जाए, तो उसके बाद तो तय होगा। कुछ 5 प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, तो एक ही बनेंगे, तब तय हो जाएगा। नहीं, आप इसको बड़े शिद्दत से महसूस करते होंगे, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। अभी आप देखिए कोडरमा लोकसभा को लेकर के आपके उम्मीदवार होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी, और मैं समझता हूँ कि ये जो बैठक है उसी तैयारी का सिरगिरी है। और अभी सेम आज ही डेट भंडारों में जेएमएम की तैयारी चल रही है, कांग्रेस भी कमर कस रहा है, तो ये एकता होने में ये सारी दुश्वारियों को कैसे हल करेंगे? बिल्कुल, सब लोग तैयार रहे और उसके बाद एकता बन जाएगी। अगर मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि अगर माले के लिए महागठबंधन से सीट अलर्ट हो, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस वाले माले के लोगों को वोट नहीं करेंगे? क्या जेएमएम के लोग माले को वोट नहीं करेंगे? अभी 23 तारीख हम लोग बैठने वाले हैं पटना में, और हमें तो लगता है कि जहां जहां जो महागठबंधन बनेगा, तो महागठबंधन के हिसाब से लोग वोट करेंगे। और यहां तो बल्कि कोडरमा में बड़ा सवाल है, पिछले चुनाव में 2014 में हम लोग सेकंड पर थे जी, और 14 के 19 में भरोसा कर लिया लोगों ने बाबूलाल बरान की पर, हमने उसी समय कहा था जी, कि कहां आप भरोसा कर रहे हैं जी, और भरोसा करके ठग गए लोग। तो अभी इस समय तो बिल्कुल हमें लगता है कि यहां माले की ही दावेदारी है, जो 2019 के ही विधानसभा चुनाव में बात बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ सेकंड पार्टी बीजेपी के बाद है, तो माले है पूरे जिले में, गिरिडीह कोडरमा के लोकसभा के इलाके में। तो हमें लगता है कि अभी तैयारी सबको करने दीजिए, क्योंकि सबकी तैयारी चाहिए, लेकिन ये तैयारी जो है बीजेपी को रोकने के लिए, हराने के लिए जरूरी है, और सब लोग तैयार रहे, तैनात रहे और मुस्तैद रहे, तो हम लोग निश्चित तौर पर। आपको होप है कि सीटों को बंटवारों को लेकर कोई बिखराव नहीं आ सकता? बिल्कुल, हमें लगता है अभी समय है जी, अभी समय है बिल्कुल, तो उस पर बात होगी, बिहार के लेवल पर, झारखंड के लेवल पर बात होगी, और जहाँ भी बिहार के विधानसभा चुनाव देख लीजिए, हम लोगों को सिर्फ 19 सीट मिली थी लड़ने के लिए, हमने 12 पर सीट दर्ज किया। हमें लगता है कि हम तो इसको लेकर के गंभीर हैं, जहाँ भी हम मिनिमम सीट मांगते हैं और मिनिमम में मैक्सिमम प्रदर्शन करते हैं। मैक्सिमम सीट मांग लो, छेक लो और उसके बाद मिनिमम प्रदर्शन करो, ये हमारा नहीं है। मिनिमम
और मिनिमम में ठोस ढंग से प्रदर्शन हो, हम इसकी तैयारी करेंगे। जब जहाँ पहलवानों की मुद्दा है या अभी ट्रेन हादसे की बात हुई, इतनी सारी चीजें हो रही है और सरकार कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर क्रांति का श्रीगणेश भी नहीं हो रहा है, क्या लगता है? नहीं तो बिल्कुल, इसीलिए तो लोगों को लग रहा है कि भाई कोई ऐसी सरकार हो देश में, कम से कम जवाब तो दे, जिम्मेदारी तो महसूस करे। जी। सरकार इसलिए है, रेलवे किस लिए है? रेलवे इसलिए है कि वंदे भारत रोज ट्रेन का उद्घाटन होगा और मोदी जी जाकर के वहाँ झंडे दिखाएंगे, और जब उस समय तो रेलवे में कोई अलग मंत्री है ये मोदी जी को याद नहीं रहता, लेकिन अगर कहीं दुर्घटना हो गई हम तो सोच रहे थे कि यहाँ भी मोदी जी आएंगे, जैसे कोविड के टीका के सर्टिफिकेट में मोदी जी का चेहरा था, हम तो चाहते थे कि डेथ सर्टिफिकेट में भी मोदी जी का चेहरा हो, हम लगा कि इतनी मौतें हो गई तो मोदी जी शायद आएंगे, वहां नहीं आए, वहां रेलवे मंत्री को उन्होंने भेजा। देश में कोई ढंग से सरकार चले, जिम्मेदारी ले और जनता को बेवकूफ ना समझे, मूर्ख ना समझे। अभी कहां से एक सेंगोल लेकर के आए, संसद में स्पीकर के बगल में रख दिया, ये कोई लोकतंत्र है या राजतंत्र है? तो ये इसलिए हमें लगता है कि अति हो गई है, अति हो गई है, इसलिए जब जब चीजें अति पे पहुंच जाती हैं तो इस देश में ये जरूर है कि एक बैलेंस है, अति को देश रोक लेता है। अब ये अति पर पहुंच गए हैं और हमें लगता है कि इसी चुनाव में जनता इस अति पर काबू पाए। आप समझते हैं कि जनता समझ रही है इन चीजों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हिंदू मुसलमान के बहाने में जनता नहीं आ रही। नहीं नहीं, नए नए इलाके में लोग, अभी हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा का पंचायत, वहाँ अगर ये मुद्दा सबसे बड़ा बन गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर ये मुद्दा सबसे बड़ा बन गया है, तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला। बजरंगबली के नाम पर वोट मांग करके इतनी बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, ये तो कुछ बता रहा है ना कि समय कहाँ किधर जा रहा है और जनता क्या चाह रही है। तो ये थे दिवंगत भट्टाचार्य साहब, मैंने पहले भी बताया कोई परिचय के मोहताज नहीं है ये, और इन्हें ये होप है, ये विश्वास है कि अब देश की जो राजनीति है वो फिर से करवट ले रही है और देश की राजनीति अब हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे वोट देने का जो सिलसिला चला था 9 वर्षों तक वो अब बदलेगा और रोजगार, शिक्षा और संविधान की बात अब इस देश में होगी और जो विपक्षी बिखराव है उसका भी एका होगा। हमें भी इंतजार रहेगा शायद 23 जून न सर। 23 जून को तो अभी शुरुआत होगी जी, अब बाकी सीटें तय होने में अभी समय लगेगा जी, लेकिन जब भी हो हमें लगता है कि माहौल बन रहा है जी, और ये जरूरी है कि विपक्ष के तमाम पार्टियां से नजदीक आए जी और आगे बात होगी। आप चलिए, ये दिवंगत जी थे और आपने भी इनके बारे इनका सुना कि देश अब फिर करवट लेने वाला है राजनीतिक रूप से और विपक्षी एकता होने वाली है, सीटें की बंटवारे की जो बात है उसमें भी सहमति बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।